आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक ठाकुरद्वारा के गांव नन्नूवाला पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 43 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से मात्र 6 किलोमीटर है। 2500 वोट और 8000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान धर्मेंद्र सिंह ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गाँव की कमान इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। बताते चले कि ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह अपने अच्छे कार्यों के कारण लगातार गाँव के प्रधान चुने जा रहे हैं। ग्राम प्रधान द्वारा गरीब बेटियों की शादियों में भी आर्थिक मदद करते हैं। सिलाई मशीन कूलर आदि देकर भी गांव की गरीब बेटियों की शादियों में इन्हें काफी मदद मिलती है। इनके विकास कार्य को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। ग्राम प्रधान धर्मेंद्र और सचिव रविराज के सहयोग से स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। इन्होंने अपने कार्यकाल में गाँव को किस तरह से सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी है, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है ब्लॉक ठाकुरद्वारा के नन्नूवाला ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, जैसा कि यहाँ हमें जानकारी मिली है, यहाँ ग्राम प्रधान को दोबारा से इस बार गांव की जनता ने यहाँ सेवा का मौका दिया है। लगातार दूसरी बार ये यहाँ के प्रधान चुने जा चुके हैं। इसके साथ ही क्या क्या इनकी आगे की कोशिशें जारी रहेंगी और किस तरह से कोरोना काल के चलते लोगों की यहाँ मदद की गई है, सबकी जानकारी हम यहाँ प्रधान जी से बात करके आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान जी से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है जी। प्रधान जी, जैसे कि दूसरी बार आप यहाँ पर लगातार प्रधान हैं, तो हम ये कहेंगे कि 10 साल आपको यहाँ गांव की सेवा का मौका मिला है। इन 10 सालों को छोड़ करके अब जो कार्यकाल 5 साल का आपका चल रहा है या खत्म होने को है, इन 5 वर्षीय में आपने क्या क्या विकास कार्य गाँव में किया? सबसे पहली बात तो हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं, कोई जाति विशेष का कोई हमारे यहाँ इस तरह का कोई मुद्दा नहीं उठता है। जो भी आता है हम उसकी समय समय से सेवा करते रहते हैं, निष्पक्ष साथ हम सेवा करते हैं। और गांव में जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो भी गरीब बेटी होती है उनमें मैं सिलाई मशीनें अपने आप स्वयं देता हूँ। मतलब अपनी तरफ से आपने सिलाई मशीनें आपने यहाँ पर दी हैं उनको? जी हाँ। कितनी सिलाई मशीन लगभग आपने यहाँ दी? गाँव में लगभग इन 5 वर्षों में ज़्यादा भी नहीं तो लगभग 200-225 सिलाई मशीनें दी। ये आपने अपने स्तर पर इन लोगों की मदद के लिए दिया जी, काफ़ी आपका सराहनीय काम है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ग्राम निधि से जो धनराशि है यहाँ मिलती है, उसको आपने किस तरह के विकास कार्य में आप लगाया? मेरे गांव में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पुरस्कार से सम्मानित हुआ हूँ और मेरा गांव इसमें विकास व्यवस्था में भी मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आसपास 250 गाँव में भी ऐसी विकास की व्यवस्था नहीं होगी जैसी मेरे गाँव में विकास की व्यवस्था है। और मेरे गाँव में मैंने माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी के द्वारा प्रयास किया और एक शमशान घाट का निर्माण कार्य कराया, जो कि एक अपने में हमारे ज़िले में एक शमशान घाट भी एक मिसाल है जी, वो मैं आपको दिखाऊंगा जी। और मेरे यहाँ पंचायत घर का पैसा भी स्वीकृत हो गया, वो पंचायत घर भी शीघ्र से शीघ्र कार्य होने वाला है। अभी उसका जो है निर्माण कार्य शुरू करेंगे आप? बाकी गांव मेरा गांव में रास्ते कीचड़मुक्त है, गाँव में मेरे कहीं भी कीचड़ आपको नहीं मिलेगी जी। और गांव में मेरे सीसी टाइल से ही निर्माण हुआ है, जो रंग बिरंगे टाइल्स के द्वारा गांव सुसज्जित हुआ है। की गतिविधियों में आप अपना समय देते हैं, जैसे कि जाकर समय समय पर अगर आपकी जरूरत वहां पर लगती है तो जाते हैं, या मिड डे मील की सुविधा को आप देखते हैं कि सब सही तरीके से खाना जो बन रहा है वो बच्चों के लिए पूरी तरह से बेहतर है? हाँ, वो जब से लॉकडाउन हुआ है तब तक तो मिड डे मील बन नहीं रहा, लेकिन इससे पहले जो मिड डे मील बना है डेली प्रतिदिन हमारे द्वारा बनवाया जाता और बीच बीच में हम जाते भी रहते हैं अध्यापक लोगों से मिलने बच्चों से मिलने जी। सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा बारात घर पंचायत घर हमारे यहाँ पे जी शमशान घाट का निर्माण कार्य हो गया है, पंचायत घर का पैसा स्वीकृत है, जो शीघ्र हमारे यहाँ पंचायत घर का कार्य शुरू होने वाला है, जिसका उद्घाटन माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मित्र रानी जी ने किया है। ये बहुत जल्द निर्माण कार्य शुरू होने वाला, माननीय मुख्यमंत्री पुरस्कार धनराशि से हमने एक यात्री प्रतीक्षालय बनाया है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मैं समझता हूँ कि शायद रामनगर से मुरादाबाद को भी ऐसा यात्री प्रतीक्षालय नहीं होगा, आपको जो होगा। और उसी पैसे से मुख्यमंत्री से उससे हमने लैटर कार व्यवस्था भी करवाई है और यात्री प्रतीक्षालय बनाया, कुछ पैसा भी शेष है हमारा जिससे हम गाँव में शीतल जल प्याओ की व्यवस्था कराने जा रहे हैं बहुत जल्द जी, जिससे गाँव वासियों को फायदा हो। काफी विकास गांव को पूरी तरह से विकसित करने में आपका जो है योगदान रहा है और आपकी जो है कार्यशैली से भी हमें लग रहा है कि काफी विकसित आप अपने गाँव को करने का सपना रखते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ समस्याओं की हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि गाँव में किस तरह की समस्या अभी भी मौजूद है, जिसे कि आप चाहेंगे कि सरकार की मदद अगर मिले तो उन समस्याओं को हटा करके आप पूरी तरह से गाँव को एक स्मार्ट गाँव का दर्जा दे पाएंगे? गाँव में एक समस्या ये है कि क्योंकि 2006 में हमारे यहाँ पे बिजली प्रदानी थी हमारी,
तो उसमें हमने एक अस्पताल का निर्माण करवाया था, जिसमें दुख की बात ये कि डॉक्टर वहाँ पर समय समय से नहीं बैठ पाते। हम चाहते हैं कि समय से डॉक्टर लोग बैठे। ये नया पंचायत का गाँव है हमारा, डॉक्टर लोग समय से नहीं आते। बस दुख की बात ये कि डॉक्टर आने, तो इसके लिए आपने कभी कोई शिकायत? हमने इसके लिए बोला है और अध्यक्ष जी ने भी बोला हमारे डॉक्टर लोगों के लिए, और वो यहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई लेकिन आते नहीं है, कमी आते हैं। फार्मेसिस्ट आता है, मतलब आपने अगर इस चीज़ की कोशिश की है, ये शिकायत की है सीएमओ जो है वहाँ से, आपने कभी बात करने की कोशिश की या आगे स्तर पर डीएम साहब से कहीं, मतलब ऐसा कुछ की? हमने तो आश्वासन मिल जाता, बोले ठीक है आपके यहाँ केवल नहीं यहाँ लोगों को गांव में आवाज मिले हैं ने? तो लगभग क्या कुछ परिवार अभी भी हैं जिन्हें आवाज? हाँ, कुछ परिवार ऐसे हैं जो अभी हमने नाम भेजे थे, जो कि 13 परिवारों को फिर मैं समझता हूँ जल्दी आवास मिलने वाला है। जी जी। और गांव में 60 साल विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये हम लगभग पूरी करा चुके हैं। केंद्र सरकार की जैसे जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, तो जितनी भी हमारी केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं गरीबों के लिए लागू होती हैं, आपकी ग्राम पंचायत में कितना परसेंट लोगों को यहाँ पर जो है इनका पूरा पूरा लाभ मिल पाता है? हमारे यहाँ पर किसान सम्मान निधि का भी पैसा लगभग सभी किसान भाइयों को मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि 2-4 भूल से भले रह गए हो, नहीं तो सभी लोगों को मिल जाए। और हमारे यहाँ पर कोई भी आता है तो हम 24 घंटे जनता की सेवा में तैयार रहते हैं। राशन प्रणाली भी हमारे यहाँ एकदम सुचारू रूप से हर महीने हमारे डीलर जी वितरण करवाते हैं। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी? साफ सफाई की व्यवस्था में हमारे यहाँ पे 2 कर्मचारी लगे हुए हैं जो वो इस कार्य को दिवाते देते हैं। कहीं कमी होती है तो हम भी समय समय पर निगरानी। अभी जैसे कि कोरोना महामारी इतनी बुरी तरह से फैल रही है, दिन ब दिन आंकड़े जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसमें बीच में 70 दिन का लॉकडाउन पूरी तरह से देश में रहा है, क्या आपके गांव में ऐसे लोग रहे हैं या ऐसे परिवार रहे हैं जिनके आगे किसी तरह की कोई समस्या आई हो, जैसे खाने पीने को लेकर के, या गरीब परिवार हैं जिन्हें मदद की जरूरत यहाँ पर सामने आई हो, तो उसका आपने आपकी जो है उसमें क्या भूमिका रही है? हमारे यहाँ पे ईश्वर के पास है, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो ऐसी समस्या आई, अगर आई भी है तो हमने उसको दूर करवा दिया गया है। जैसे किसी का राशन कार्ड नहीं है तो डीलर से राशन उसको मुहैया करा दिया हमने इस पीरियड में। बोलना को देखते हुए नहीं चलोगे इसका भी निर्धारण करो। जो मिशन काया का क्या सरकार का इस वक्त चला हुआ है, या अब परिवर्षीय में जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो ध्यान दिया गया है वो स्कूल की तरफ दिया गया है, तो उसके अंतर्गत आपके यहाँ ग्राम पंचायत के स्कूल में क्या क्या काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे स्कूल में शौचालय तीनों में सब में बढ़िया बनवा दिए गए हैं, और जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग हमारे यहाँ जर्जर घोषित हो गई है, जो हमारा सूची में नाम आ गया है। पूरे खामपा विधानसभा में 10 विद्यालय की जर्जर की सूची बनी है, उसमें हमारे गाँव का नाम भी है। जो अभी कल मेरी बात हुई थी जिस हिसाब से, वो इसका फोटो मांग रहे थे और उसको सत्यापन करना है कि बिल्डिंग जर्जर है या नहीं है, तो ये बिल्डिंग का भी हमारे लगभग प्राइमरी 1st विद्यालय है वो हम 2006 में बनवा चुके हैं, जो आज भी ऐसा लगता है जैसे कि 7-6 महीने पहले बना हुआ। तो आप किस तरह की प्रमुख मांग सरकार से रखना चाहेंगे अपनी ग्राम पंचायत को और ज़्यादा विकासशील और सुदृढ़? हम मांग तो हमारी पंचायत घर की बारात घर की थी, जो पंचायत घर का पैसा हमारे यहाँ सुदृढ़ हो गया वो जल्द बनेगा, और हमारे यहाँ पे बाकी तो मैं समझता हूँ कि सभी प्रकार की समस्याएं हम लगभग पूरी कर चुके हैं। बाकी हमारा प्रयास ये है कि और गाँव को बेहतर बना चुके जी, उसके लिए हमारा भी आगे प्रयास भी जारी है। जैसे कि अब कोरोना काल में अनलॉक भी हो चुका है, देश में सारी गतिविधियां लगभग पूरी तरह से यहाँ चालू हो चुकी हैं, इसको लेकर के अपने ग्रामवासियों को कुछ जागरूकता संदेश देना चाहेंगे? इसको लेकर मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि जब देश के प्रधानमंत्री सभी लोगों को संबोधित कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हम सबको भी इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो जिसकी चपेट में आई है, दूर दूर सब आया जाता है, इसलिए सभी लोग अपने अपने नियमों का पालन करते हैं, सरकार बता रही है, बस यही कहना चाहता हूँ। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास इन 5 सालों में यहाँ करवाया जा चुका है, जैसे कि ये लगातार दूसरी बार प्रधान है, तो पिछले बीते हुए 5 सालों में भी यहाँ इनके द्वारा काफ़ी विकास करवाया गया है, जिसमें सबसे मुख्य कार्य यहाँ सीसी टाइल्स कार्य सड़क निर्माण का है, जिससे कि ये गांव पूरी तरह से कीचड़ मुक्त हो चुका है। इसके अलावा यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा अपने स्तर पर, निजी स्तर पर यहाँ जो युवा कन्याएं हैं उनके लिए काफ़ी मदद की गई है, उनके आगे बढ़ने के लिए यहाँ सिलाई मशीन उनके द्वारा यहाँ वितरित की गई है काफ़ी बच्चियों को, आवास भी यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं, शमशान घाट का निर्माण कराया गया है, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी यहाँ आवास की आवश्यकता है, जैसे कि लगभग 13 परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है। इसके अलावा यहाँ अगर बात करें समस्याओं की, तो कुछ समस्याएं बाकी है, जैसे कि बारात घर जो यहाँ निर्मित नहीं है, पंचायत घर की स्वीकृति मिल चुकी है, निर्माण कार्य जल्दी ही शुरू किया जाएगा।
लेकिन एक जो सामान्य समस्या और आसपास के गांवों में भी देखने को मिली है, ज्यादातर गांवों में देखने को सामने आती है, स्वास्थ्य केंद्र को लेकर, अस्पताल को लेकर, जो यहां सभी की कोशिशों के द्वारा, योगदान के द्वारा बनवाया भी जा चुका है, लेकिन अफसोस की बात है कि किसी भी ग्रामीण को उसका पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पाता है। डॉक्टर्स नहीं बैठते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। हालांकि अब इस समय में हमारी सरकार हेल्थ स्ट्रक्चर पर ज़्यादातर ध्यान दे रही है, लेकिन गाँव की हालत आज भी देखी जाए तो खस्ता है। स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल बने हुए हैं लेकिन केवल नाम मात्र, ना तो वहाँ डॉक्टर हैं ना ही दवाइयाँ हैं, जिसकी कई बार शिकायत करने पर हाथ आता है तो केवल और केवल आश्वासन, कोई कार्यवाही, कोई सुनवाई अब तक यहाँ नहीं हो पाई है। अच्छा के साथ नाजरीन रिपोर्ट। ग्राम पंचायत नन्नूवाला में हुए विकास कार्यों की जानकारी हमने ग्राम प्रधान से यहां लेकर के आपको दी है। इसके अलावा आइए बात करते हैं कुछ ग्रामीणों से भी कि इन जो विकास कार्य यहां पर हुए हैं उनको लेकर के वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहां के राशन डीलर से, जो यहां पर अभी राशन वितरण हुआ है या सरकार की तरफ से जो मुफ्त राशन वितरण हुआ उसको लेकर भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि किस तरह का राशन यहां वितरित किया जा रहा है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जी ऋषिपाल सिंह है, मैं पूर्व सदस्य क्षेत्र पंचायत नन्नूवाला से हूँ। मेरी पत्नी जो है राशन लेता है इस टाइम वर्तमान में। जी, राशन ये अभी सरकार की तरफ से मुफ्त राशन अभी दिया जा रहा है जी। राशन तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि राशन सभी को कितना दे रहे हैं और किस तरह से आप राशन प्रणाली को देखा जाए तो कोरोना काल को देखते हुए हमारे गाँव के ग्राम प्रधान जी ने कुछ जो चंद आदमी हमारे जैसे कि छूटे थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो बना गरीब है जी, तो सरकार के मानस के अनुसार हम जो है कार्ड धारकों को तो वितरण करते ही है। दो किलो गेहूँ, चावल 3 किलो गेहूँ, 2 रुपये 3 रुपये के मूल्य से तो सरकार फ्री हमें मुफ्त राशन देती है, उस पर मुफ्त राशन होता है। फिर दूसरी बात एक है जो विकलांग व्यक्ति है जो हमारे यहाँ पे नहीं आ सकता राशन लेने, हम उसके धन राशन पहुँचवाने की भी जो है कभी कभी प्रयास करते हैं। जैसे मतलब एक आ रहा है कि गांव में कोई भी व्यक्ति आपकी नज़र में ऐसा चिंता नहीं है जिसके पास राशन ना पहुंचता। अब जो जैसे हमारे गांव में क्योंकि अभी सरकार ने सर्वे तो कराया नहीं है, मान लो कुछ है पात्र आदमी और कार्ड है पात्र आदमी वंचित रह गए तो उन्हें हम कैसे भी कहें तो उनके घर जो है थोड़ा बहुत 2 किलो 4 किलो 5 किलो जो अपनी तरफ से आप अपनी तरफ से करने की सोचते हैं, प्रयास करते हैं और देते भी हैं। यहाँ पर विकास कार्यों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? विकास कार्यों को लेकर कहूँगा कि जो है पिछले पंचवर्षीय में इनकी जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं इनकी माता जी जो है प्रधान नहीं थी जी, उस टाइम के भी शासनकाल को देखते हुए उनका काम बहुत खराब, पब्लिक ने दोबारा इन्हें फिर अब 5 साल के लिए स्वयं धर्मेंद्र सिंह को बनाया जी। विकास के मामले में तो लेते हुए चाहे वो स्कूल का विकास हो, सारे शिक्षा का मामला हो, या जो है कन्या विद्याधन वाला ये जो गरीबों की बेटी शादी होती है जी, वो सरकार से तो बंद हो गए लेकिन जो है ये अपने उससे पर्सनल तौर पर जो है बच्चों को सिलाई मशीनें या विकास के मामले में हमारे गांव में पूरे गांव में आप देखो तो कहीं भी कोई ऐसा खम्भा नहीं जहां पे बिजली की व्यवस्था इन्होंने नहीं करा रखी हो, प्रतीक्षालय की व्यवस्था इन्होंने करवाई, शमशान घाट के विकास कार्यों को लेकर के संतुष्ट हैं आप? हाँ संतुष्ट हैं इनके विकास कार्यों को लेकर, लेकिन हमारी थोड़ी समस्या एक है कि जैसे हमारे गाँव में ये क्या बोलते हैं इसको पंचायत भवन का जो है वो हमारी आ गई, लेकिन मुख्य समस्या जो है सरकारी अस्पताल की वहाँ पे डॉक्टर वगैरह नहीं बताया गया, द्वारा बताई भी गई है लेकिन वहाँ पर फार्मिस्ट आते हैं कोई डॉक्टर नहीं आ पाते जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम किस पद पर और किस गांव में किस पद कार्यरत हूँ? मैं यहाँ प्रधान आचार्य पद पर कार्यरत हूँ, प्राप्त मेरा नंबर जी। अच्छा ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ क्या क्या विकास कार्य कराया गया विद्यालय में? विद्यालय में प्रधान जी द्वारा जो है टाइल्स लगवाई गई, बोल्ड्री का जो है उद्घाटन करा गया और शौचालय बनवाया गया और समय देते हैं ग्राम प्रधान विद्यालय को जी। हाँ आप इनके विकास कार्य से कहाँ तक हैं और कुछ बहुत कहना चाहो? नहीं बस हमारे प्रधान जी बहुत बढ़िया हैं, जो भी हम किसी काम के लिए कहते हैं वो हमारी बात सुनते हैं।